नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT Academy में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाला नेशनल स्कॉलरशिप का एक स्कॉलरशिप स्कीम, जिसका नाम है नेशनल मींस क्यू मेरिट स्कॉलरशिप, मतलब NMMS स्कॉलरशिप स्कीम। तो इस स्कीम को जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उसको पहले एक एंट्रेंस का एग्जाम देना रहता है, जिस एग्जाम का नाम ही है NMMS एग्जाम, नेशनल मींस क्यू मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम। तो ये जो एग्जाम है इसका डेट अभी ओपन हो गया, तो जो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे इस एग्जाम फॉर्म के लिए वो जरूर अप्लाई कर देंगे। जब आप लोग पास कर जाएंगे इस एग्जाम को तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आपको ये नेशनल मींस क्यू मेरिट स्कॉलरशिप का जब स्कॉलरशिप आप अप्लाई करेंगे तब आपको 12,000 रुपया करके 4 साल तक मिलेगा। तो कौन स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना, आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो अगर आप या फिर आपके घर में कोई भी स्टूडेंट है जो इसके लिए एलिजिबल होंगे तो जरूर अप्लाई करा देंगे, क्योंकि लगभग 95% स्टूडेंट NMMS एग्जाम को पास कर ही जाते हैं। थोड़ा बड़ा जो स्टूडेंट एकदम कमजोर रहता है, OMR वगैरह नहीं भरने जानते हैं, वही स्टूडेंट फेल करते हैं, बाकी सभी स्टूडेंट NMMS को पास कर जाते हैं। और लगभग स्टूडेंट को 12,000 रुपया करके 4 साल तक मिलता है, जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप वगैरह फिर अप्लाई करते हैं लास्ट में। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, NMMS का एग्जाम देते हैं, पास कर जाते हैं, फिर नेशनल स्कॉलरशिप में NMMS मतलब नेशनल मींस क्यू मेरिट स्कॉलरशिप के लिए स्कीम के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई करेंगे तो आपको कैसे पेमेंट मिलेगा। तो पहले इंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानिए कि इंट्रेंस का एग्जाम कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना, फिर जब पास कर जाएंगे तब आप लोग को नेशनल स्कॉलरशिप से NMMS स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना रहता है। चलिए अभी डिटेल्स में जानते हैं कि कौन स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है और कैसे अप्लाई करना। तो वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम यूज करते हैं तो हम लोग टेलीग्राम के साथ भी जुड़े रहेंगे, वहां पर भी सबसे पहले अपडेट करता। चलिए अभी इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल्स में जानते हैं कैसे अप्लाई करना, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल का कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और गूगल पे लिखे scholarshiphelp.in। जैसे आप लिखेंगे scholarshiphelp.in तो फर्स्ट में जो वेबसाइट ओपन होगा scholarshiphelp.in वाला, उसको आपको ओपन करना। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, NMMS स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर्म 2022, इसको आपको ओपन करना। जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, NMMS स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर्म 2022 नेशनल मींस क्यू मेरिट स्कॉलरशिप, जिसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर आपको हिंदी में जानकारी दिया हुआ रहेगा, आप लोग एक बार आके जरूर रीड कर लेंगे। अभी मैं इसका एलिजिबिलिटी का बात करता हूँ, कैसे अप्लाई करना उसका तरीका बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर NMMS स्कॉलरशिप क्या है उसके भी बारे में बताया गया है, और पुराना पिछले साल वाला भी वीडियो यहाँ पर दिया गया, आके एक बार जरूर देख लेंगे। अभी मैं इंपॉर्टेंट डेट्स और एलिजिबिलिटी का बात करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर है NMMS इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो NMMS जो होता है नेशनल मींस क्यू मेरिट स्कॉलरशिप का एग्जाम, ये सभी ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट में लगभग सेम टाइम को ही ओपन होता है। जैसे अभी ओपन हुआ नवंबर दिसंबर में, ऑल ओवर इंडिया में जितना स्टेट है सभी जगह ओपन होता है। और इसका जो एंट्रेंस का टेस्ट होता है, मतलब जो एग्जाम होता है, वो OMR बेस होता है और सेम टाइम में ही एग्जाम भी लिया जाता है। एक दो दिन इधर उधर एक दो स्टेट में हो सकता है, लेकिन लगभग सभी स्टेट में एक ही टाइम में एग्जाम भी होता। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है, किसी स्टेट में ऑनलाइन है तो किसी स्टेट में, एक दो स्टेट में ऑफलाइन भी भराया जाता है। तो ऑनलाइन अभी हम लोग के यहाँ भराया जा रहा है झारखंड में, उसका प्रोसेस बता रहा हूँ, और सभी अदर स्टेट के स्टूडेंट भी ध्यान देंगे। तो देख सकते हैं ये झारखंड स्टेट का नोटिफिकेशन कल पेपर में आया था NMMS एग्जामिनेशन के लिए, जो स्टूडेंट पास करेंगे उसको मिलेगा 12,000 करके 9, 10, 11, 12 में। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो एंट्रेंस में बैठने के लिए कुछ इसका रजिस्ट्रेशन फीस भी है, आप फीस को नहीं देखेंगे, 250 रुपये जनरल OBC और ST SC 125 है, फीस को नहीं देखेंगे, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जनरल OBC ST SC BC माइनॉरिटी जो भी कैटेगरी है। 250 रुपये 125 मत देखिएगा, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें पास कर ही जाते हैं। जो OMR बेस एग्जाम होता है, जो OMR को अच्छा से फिल कर दी वो स्टूडेंट पास कर ही जाते हैं, जो गलत कर देते OMR में वही लोग फेल करते हैं। तो जरूर इसको अप्लाई कर देंगे। अभी एलिजिबिलिटी का बात करता हूँ, NMMS एग्जामिनेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी, तो देख सकते हैं यहाँ पर है
स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8 इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब किसी भी बोर्ड से या किसी भी स्कूल से जो स्टूडेंट अभी क्लास 8 में पढ़ाई कर रहा है वो स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठ सकता है, इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है। तब स्टूडेंट जब 9th में जाएगा और पास कर जाएगा NMS तो वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से इस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे। तो एक ही बार आपको एग्जाम में बैठना है, एक ही बार एग्जाम देना और 4 साल आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, 9 फिर 10 में रिन्यूअल, 11th में रिन्यूअल, फिर 12th में रिन्यूअल, 4 साल पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अभी क्लास 8 में स्टूडेंट होना चाहिए, उसके बाद वो स्टूडेंट 7 क्लास में 55% मार्क्स से 8 आना चाहिए, मतलब प्रीवियस में 55% मार्क्स इस एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म फिलअप करने के टाइम मांगा जाएगा। और स्टूडेंट का जो गार्जियन का एनुअल फैमिली इनकम वो 1.5 लाख से कम होना चाहिए, पहले 1 लाख था अभी 1.5 लाख किया गया। अप्लाई करने के लिए और यहाँ पर देख सकते हैं NMS का एग्जाम का रिलैक्सेशन भी है, जो स्टूडेंट SC ST कैटेगरी में आता है उस स्टूडेंट को 5% मार्क्स में छूट मिलेगा, मतलब जनरल OBC स्टूडेंट कम ज़्यादा नंबर लाएगा उसमें से 5% आपको ST ST स्टूडेंट का छूट मिलेगा NMS को पास करने के लिए। अगर आप एलिजिबल है, आपके घर में कोई स्टूडेंट है 8 में है या फिर आप है 8 में और आपको लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चा पास कर जाएगा, इसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, तो अप्लाई अगर आपको करना है तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पर लिया दिया गया लिंक। तो झारखंड के स्टूडेंट के लिए jack.jharkhand.gov.in जो झारखंड का एडुकेशनल वेबसाइट है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट में ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप लोग का NMS का फॉर्म अप्लाई होगा। अदर स्टेट के स्टूडेंट जो एडुकेशनल वाला बोर्ड का जो वेबसाइट होता है जहाँ पर रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं, ये फिर आप अपने स्कूल से पता कर लीजिएगा NMS का फॉर्म कौन सा वेबसाइट से फिलअप होता है, मैं आप लोग को लिंक इस यहाँ पर दे दूंगा। फिलहाल अभी सभी स्टेट में चालू नहीं हुआ NMS अप्लाई होना, झारखंड का नोटिफिकेशन देखें और 2-4 स्टेट में है, तो आप लोग अपना स्कूल से भी कॉन्टैक्ट कर लेंगे क्योंकि स्कूल में आपका एक कॉपी डॉक्यूमेंट जमा होगा, तो स्कूल में कॉन्टैक्ट करेंगे। जो स्टूडेंट क्लास 8 में अभी अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा, धीरे धीरे सभी स्टेट में अप्लाई हो जाएगा। आप अगर 8 के स्टूडेंट है या फिर आपके घर में कोई है तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे।